अस्सलाम वालेकुम, की हाल है दोस्तों? ठीक ठाक आज देख लो आगाज़ करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो इस टाइम जाना मैं मरे कॉलेज के सामने में, ठीक है, इतने आने लगने इमरान खान साहब, ठीक है। तो हूँ जे वाम जी काफ़ी अंदर तुर गए, तो हूँ चलने अंदर। हूँ अं मरे कॉलेज के अंदर दाखिल हो चुके हैं, यह ग्राउंड है, ठीक है, देख सकते पिछे दूसरी साइड से ग्राउंड है जिथे मतलब के खिताब होने उधर हम चलने। इस टाइम ना अभी हाल के अंदर दाखिल होने लगे हैं ग्राउंड के बिच। स्टेडियम के अंदर असं दाखिल हो चुके हैं। इस टाइम कार साहब खिताब कर देने पे अगे तुर जाने उसे से आप मेरी बात कर रहे।
ना इसके बाद कभी मौका मिलेगा या नहीं, तो मैं चाहता हूं कि ये आज आप इस दिन याद रखो और मेरी बातें याद रखिए। देखिए सबसे पहले कि इंसान इंसानी जानवर जानवरों के माशरे में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? ताकतवर का कानून चलता है, इंसाफ इंसानी माशरे में होता है। जिधर कानून ताकतवर और कमजोर को एक तरह देखता है, ये मेरी बात आपने सुन ली है क्योंकि आपको आज हमारा मुल्क खड़ा हुआ है। और मैं जो आपके पास आया हूं, सबसे पहले मैं आपको चीज कहूंगा कि अपनी पढ़ाई के ऊपर आपकी सबसे ज्यादा तवज्जो होनी चाहिए। कम है वो ऊपर जाती है जो अपने इंसानों के ऊपर तालीम में और ये जो अपने आप यूनिवर्सिटी की बात हुई, इंशाल्लाह मैं ये चीफ मिनिस्टर से बात करूंगा और आपको अगला स्टेटस बनाने की कोशिश करूंगा यूनिवर्सिटी। लेकिन ये आपने याद रखना है कि जो जिंदा माशरा होता है वो जब मुल्क के अंदर जुल्म और नाइंसाफी होती है, जिंदा माशरा इंसाफ के लिए खड़ा होता है। अल्लाह ने मुसलमानों को क्यों कहा जहाद करने का? जहाद क्या है? जहाद जुल्म और नाइंसाफी के सामने खड़ा होना, जानवर जुल्म और नाइंसाफी के सामने नहीं खड़े होते। आपने कभी देखा होगा नेशनल ज्योग्राफिक एनिमल प्लैनेट में कि जो अफ्रीका का सबसे ताकतवर जानवर समझा जाता है वो अफ्रीकन बफलो है, जो अफ्रीका की भैंस है। आप देखते होंगे कि 5, 6, 10, 6 हजारों भैंसें खड़ी होती हैं। वो पहले उनको डराते हैं, वो जब भागना शुरू करती हैं तो एक भैंस को पकड़ लेते हैं 5, 6, 6 और वो सारे अपनी जान बचा के भाग जाते हैं क्योंकि वो जानवर है, जानवर अपना सोचता है। इंसानी माशरे के अंदर इसलिए अल्लाह जो जुल्म के सामने सर झुकाते हैं उनमें और जानवरों में कोई फर्क नहीं होता। अमेरिका के अंदर जब सिविल राइट्स मूवमेंट शुरू हुई, जो अफ्रीकन अमेरिकन्स के ऊपर जो जुल्म करते थे उनको इंसाफ नहीं देते थे, उनके सामने कौन खड़े हुए? यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, अमेरिका की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे। जो वियतनाम वॉर हुई उसके खिलाफ कौन खड़े हुए? हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स खड़े हुए। हमेशा नौजवान एक माशरे के इंसाफ के लिए खड़े होते हैं। जब बरतानिया ने इराक के अंदर जंग में शिरकत की, बरतानिया को फायदा था, जंग तय हुई थी, लेकिन 20 आवाम तुर गई है। ठीक है, तो इमरान खान भी तुर गया। हूँ अं भी चलिए घर। सो फिर अज तब लोग कैसा लगा?
आज दे ब्लॉग ने ठेला पे खेलने अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए अल्लाह हाफिज़।